बिल्कुल सही बात है, बियंका ब्लेड जीत गई। रेटिंग ओ भाई साहब आसमान छुई। रोमन रेंज को बचाएगा कोडी रोड्स, इसीलिए हम खेलेंगे फिर से एक बार जीएम मोड। तो भाई रसलमेनिया वीक आ चुका है, यानी पीपी इवेंट रसलमेनिया आ चुकी है, तो हमें बहुत ताबड़तोड़ बुकिंग करनी। अच्छा जी, से पहले बियंका प्लेयर बोल रही भैया हम इंजरी हो सकती है, हमें पैरों में बहुत दर्द है, हम नहीं लड़ सकते। झूठ बोल रहा है भाई, चैंपियन होके तुम नहीं लड़ोगे तो लड़ेगा कौन भैया? पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं कि तुमको हम पैसा भी दे और चैंपियन होके तुम आराम भी फरमाओ? क्या बोल सकते, जाओ छोड़ के चले जाओ मेरा रॉ ब्रांड, हमको नहीं जरूरत है तुम्हारे जैसे की। फिलहाल के लिए हमको बहुत ही ताबड़तोड़ बुकिंग करनी है ताकि स्टेफनी मैकमेन एक इंच एक कदम भी हमसे आगे ना जा पाए, नहीं तो भैया वो बहुत खुरपेची इंसान है, कुछ भी कर सकती है। तो हम लोग जो है आ गए हैं लीजेंड सेक्शन में और यहां से हम बुक करेंगे अपना एक लीजेंड सुपरस्टार, क्योंकि आप जानते हो भाई रसलमेनिया में अगर कोई एक लीजेंड अगर एंट्री ले लेना तो भाई उसकी रेटिंग्स आसमान छू लेंगी। तो हमको कोई ना एक बेहतरीन सा लीजेंड लेना है। बटिस्टा नाम सुन के ही बचपन से मेरा लड़ाई करने का मन हो जाता है, लेकिन क्या बोल सकते हैं अभी उनको नहीं ले सकते। फिलहाल के लिए हमने अल्टीमेट वॉरियर को खरीद लिया है, अब नेक्स्ट सुपरस्टार किसको लें यार? बटिस्टा काफी अच्छे लग रहे हैं, $29,000 में मिल रहे हैं, और केन जो है $25,000 में। तो भाई इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ा ज्यादा लग रही है केन की मुझे लग रहा है, और एक तो जायंट सुपरस्टार है, तो क्या हम केन को ले लें अल्टीमेट वॉरियर के सामने? केन दोनों लीजेंड अगर भिड़ जाए तो क्या मजा आ जाएगा। तो केन को भी हम लोग कर लेते हैं बाई। इसके बाद चलते हैं जो फ्री सुपरस्टार से, यानी कि जो निकाल दिए गए हैं बेघर कर दिए गए हैं सुपरस्टार, उनके पास चलते हैं। अभी के लिए गोल्डबर्ग वगैरह को बाद में खरीदेंगे, और भी वीक्स आएंगे हमारे पास तब खरीदेंगे, बस आप लोगों का साथ और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा। तो फिलहाल के लिए ये आगे फ्री एजेंट फिन बैलर है हमारे, फ्री एजेंट, तो फिन बैलर को खरीद लेते हैं, बहुत सस्ते में निपट जाएंगे अपन लोग। अब देखो रोकड़े की हो गई है किल्लत हो गई, किल्लत समझ रहे हो ना, मतलब बहुत भारी कमी आ गई, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, जो भी बोल दो। तो अब रोकड़ा हमें पूरा लगाना है। अब हम चलते एक कार्ड को यूज करेंगे, कार्ड का नाम है इंस्टिगेटर, जो कि एडम पियर्सन का है। इसको यूज करने से होगा क्या, जितनी भी हमारी राइवलरीज है वो प्लस वन हो जाएंगी। तो समझ रहे हो राइवलरी प्लस वन, मतलब ताबड़तोड़ रेटिंग्स देंगे हमें वो। इसके बाद चलते हैं भाई, हमें जो क्रू बुकिंग है यानी कि लॉजिस्टिक्स है उनको अच्छे से सेट करना पड़ेगा ताकि ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस हो, मतलब रेसलमेनिया में धुआं धक्कड़ होगा तो लोगों को पसंद आएगा, अच्छा एरेना होगा। तो फिलहाल के लिए हमने एरेना बुक कर लिया सस्ता वाला थोड़ा, क्योंकि महंगे वाले के लिए पैसे नहीं है यार। अभी रोड क्रू भी हमने ये वाला ले लिया है, अच्छा वाला, और बैकलैश यार काफ़ी अच्छा है, लेकिन इतना पैसा नहीं है। काश मेरे पास इतना पैसा होता, आप लोग उधार दे देते यार, तुम क्या बोल सकते, लेकिन आप लोग भी नहीं दोगे। चलो फिलहाल के लिए चलते हैं यार एडवर्टीजमेंट, भाई इतना पैसा नहीं कि मैं एडवर्टाइज करें रेसलमेनिया का, छोड़ो यार इतने में शायद काम चल जाए हमारा रेसलमेनिया का, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें तो कर ली, इफेक्ट्स वगैरह सब। अब चलते हैं मैच बुकिंग, तो मैच बुकिंग में भाई बियंका ब्लेयर जो अभी बोल रही थी इंजरी हो सकती, देख रहे हो भाई उसमें पट्टी लगा रखी है पहले से ही, और ये शार्लेट प्लेयर भी इंजर्ड हो सकती है भाई साहब, दोनों इंजर्ड, लेकिन हमें मैच तो करवाना ही पड़ेगा, क्या बोल सकते हैं। तो चलो टाइटल मैच को करते हैं ऑन यहाँ पे। ओके ये जो है पीपीवी इवेंट के लिए बेस्ट है, तो चलो टेबल्स मैच ही कर लेते हैं, टाइटल मैच ऑन कर दिया हमने। ओके इंटरफेरेंस कर लें क्या, रन इन जीएम इंटरफेरेंस कुछ कर दे, रन इन के लिए किसको करें यार, ऑफ रखे, चलो ऑफ ही रहने तो सही है। उसके बाद शार्लेट प्लेयर का हो गया काम तमाम, अभी ये मैच फिक्स हो गया, चलो नेक्स्ट मैच के लिए चलते हैं। हमारी शाशा बैंक्स और राकेल गोंजालेस की भी राइवलरी काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ चुकी है, तो ये मैच भी हमने टेबल्स मैच करें, तो सारे मैच टेबल्स ही कर देंगे क्योंकि ये सबसे बेस्ट लग रहा है ब्रांडेड, क्योंकि ये सजेस्ट भी कर रहा है 2K जो है कि आप टेबल्स मैच ही रखो। अब रोमन रेंस का मैच किससे करें, रैंडी ऑर्टन से कर दें, फाइटर है, ब्रूजर के अगेंस्ट फाइटर बेस्ट रहेगा, वो हील है ये फेस है, तो दोनों बेस्ट रहेंगे। सेथ रॉलिंस तो मैं स्पेशलिस्ट है, नहीं लग रहा सही। रोमन रेंस किससे भिड़ोगे आप बताओ, नहीं भिड़ेंगे रोमन रेंस बोल रहे हैं, हमको भिड़ने में कोई आनंद नहीं आ रहा है अभी तक। तो रैंडी ऑर्टन का एजे स्टाइल्स के साथ मैच होगा क्योंकि उनकी राइवलरी अलग लेवल पे चल रही है। अब किसको उठाएं यार, समझ नहीं आ रहा है कौन सा सुपरस्टार होगा हमारा। केन जायंट अल्टीमेट वॉरियर भी है, केन तो आ गए हैं, जायंट है, अब इनके सामने क्रूजर वेट है, तो सैमी जेन ही है क्रूजर वेट, इन्हीं को ले सकते हैं। यस लेट्स गो, सैमी जेन हो गए सेलेक्ट, तो एक लीजेंड तो आ गया भाई हमारे पास, जायंट लीजेंड केन द डीमॉन, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अंडरटेकर के छोटे सगे भाई, बहुत बढ़िया। ब्रॉक लेसनर वर्सेस एक्सेवियर वुड, अब भाई ये भी दोनों इंजर्ड होने वाले हैं, ए भाई साहब अब तो मर गए। टाइटल मैच ऑन कर लिया, लेकिन यार मुझे बहुत दुख हो रहा है बताते हुए कि अगर ये दोनों इंजर्ड हो गए ना तो अब तो हमारी रेटिंग्स की ऐसी की तैसी होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, रसलमेनिया अच्छी जानी चाहिए, आप लोग को मजा आना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए हमको कोई मतलब नहीं है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा वाला सिस्टम है अभी अपने पास। ओके
कारमेला को प्रोमो में कर देते हैं, प्रोमो भी अच्छे खासे होने चाहिए ना, एक चैरिटी प्रोमो कर देते हैं। चैरिटी हमारे लेजेंड अल्टीमेट वॉरियर अगर चैरिटी प्रोमो करें ना तो मजा ही आ जाएगा, उसकी रेटिंग्स आसमान छू सकती हैं। आई होप ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा कि ये जो प्रोमोस हैं, अगर आप बता सकते हो कोई कमेंट करके, कोई सजेस्ट कर सकते हो तो बताना किसको रखें प्रोमो में, क्या रखें जिससे हमारी रेटिंग्स और अच्छी हो सके। तो फिलहाल के लिए रोमन रेंज को प्रोमो में कर देते हैं क्योंकि यही बचे हैं हमारे पास ले दे के। तो रोमन रेंज की इतनी ज़्यादा डाउन कर दी हमने इज्जत की, अब इनको प्रोमो करना पड़ रहा है, मैच मिला ही नहीं रेसलमेनिया में इनको। कोई बात नहीं, चलो फिलहाल के लिए हमारी बुकिंग परफेक्ट हो गई है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग हो रहे हैं। अरे भाई अभी तो खरीदा है यार, अभी इतनी जल्दी कहाँ एक्सपायर हो जाएगा, सारे मैच फिक्स हो चुके हैं, इंस्टिगेटर कार्ड भी लग चुका है हमारा, राइवलरीज भी बढ़ चुकी हैं। अब हमें पूरा भरोसा है कि मैच होना चाहिए, एकदम ताबड़तोड़ मैचेस होने चाहिए रेसलमेनिया में, लेट्स गो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, बुक करते हैं पहला मैच। इंजर्ड तो हो गई आप लोग, लेकिन प्लीज यार रेटिंग्स अच्छी देके जाना, बहुत उम्मीद है आपसे, मेरे को डाउन मत करना, एक्सपेक्टेशंस हमारी बिल्कुल सही बात है। बियंका ब्लेड जीत गए, रेटिंग ओ भाई साहब आसमान छुई रेटिंग्स, क्लासिक मैच है भाई, मजा आ गया। कारमेला का देखते हैं प्रोमो कैसा रहा, सेल्फ प्रोमो गुड, वाओ यार 3 पॉइंट ऊपर गया हमारा प्रोमो। रखेल गुंजालेस वर्सेस साशा बैंक्स, जिससे उम्मीद कम थी, अरे भाई साहब अमेजिंग, यकीन नहीं हो रहा है यार, उम्मीदों से भी बढ़ के काम हो रहा है यहाँ पे। तो अल्टीमेट वॉरियर का तो एक नंबर प्रोमो गया, जाना ही था, ऑब्वियसली बात है एजे स्टाइल्स यहाँ जीत चुके हैं फिर से, ग्रेट मैच यार, गजब। देख रहे हो भाई आपका ब्रो पो हो गया है, पो नहीं बोलते प्रो बोलते हैं यार, क्या बोल रहे हो। तो केन वर्सेस सैमी ज़ेन, ये भी काफी ताबड़तोड़ मैच होने वाला है, जीते हैं केन हमारे। ओके यार इससे थोड़ा उम्मीद थी ज्यादा मुझे जायंट मैच से, लेकिन कोई बात नहीं, चलो छोड़ो ये मैच, ये एंडिंग मेन इवेंट मैच, कम ऑन ब्रॉक लेसनर जीत गया है वो, यस। तो हमारा ओपनर और एंडर दोनों ही क्लासिक गए हैं, बीच के एक दो मैचेस भी अच्छे गए, सिर्फ एक मीडियोकर गया। अब इनके मैचेस देख लेते हैं, स्टेफनी मैकमेन तो भाई नंबे पुजे खिलाड़ी लेके आई हैं, इनकी तो ओके गई, पहली रेटिंग में बर्बाद हो गए ये लोग, तो पिछड़ने का तो सवाल ही अब पैदा नहीं होता हमारा। तो हम लोग शायद जीत सकते हैं अब ये मैच 100%, मतलब मैच नहीं, हम लोग ये बैटल जीत सकते हैं रेटिंग्स का। ओके स्लैप जैक है यहाँ पे, लेसी इवोंस वाला मैच में क्या जाता है रेटिंग्स, ओके डायना ब्रूक अच्छी खासी रेटिंग गुड ही गई है, कोई अच्छी बात नहीं है, प्रोमो एक्सीलेंट गया, 5000 फैंस ऐड हो गए हैं। ओके यहाँ पे रॉड्रिक जीत गया भाई, रॉड्रिक ने मीडियोकर सेम हमारा ही गया, जैसे हमारा मीडियोकर गया था इसका भी ये प्रोमो हो गया, कॉल आउट था, कॉल आउट प्रोमो था, ये कैसा जाता है मैच ये बहुत डिपेंड करता है। रेटिंग्स अमेजिंग गई हैं, क्या लगता है आप लोगों को कमेंट करके जल्दी बताओ, क्या हम लोग हार रहे जीत रहे, देख रहे हो कहां से हारेंगे भाई, रॉ का डिब्बा देखो कहां जा रहा है, और स्मैकडाउन का डिब्बा तो उसके आसपास भी भटक नहीं रहा है। तो समझ रहे हो ना भाई, हम लोग रेसलमेनिया में धमाल मचा चुके हैं, जीत चुके हैं रेसलमेनिया, मतलब इस वीक की रेटिंग्स हमारी आसमान छू चुकी हैं, आसमान छुई कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हम उनसे ऊपर हैं इतना पता है। सो लेट्स गो फाइंड आउट करते हैं कि क्या हुआ है हमारे साथ, रेटिंग्स देख रहे हो 117 पॉइंट पे भाई साहब, वैसे हमने बहुत पैसा खर्चा किया लेकिन बजट ठीक ठाक ही रहा है, टोटल चेंज 187,000 फैंस ऐड हुए हैं शायद, ओके इट्स नॉट ऑफ द बिजनेस। आगे बढ़ते हैं, देख रहे हो कितने लोग खुश हैं हमारे उससे, सब बोल रहे हैं भाई ये मैच अच्छा था, सैमी ज़ेन वाला भी मैच बहुत उनको अच्छा लगा, ब्रॉक लेसनर वाला भी मैच इनको पसंद आया, शार्लेट फ्लेयर वाला मैच भी पसंद आया। अरे भाई शार्लेट फ्लेयर, बियंका ब्लेयर इंजर्ड हो चुकी, तुमको कुछ पता है कि नहीं, तुम्हारे लोगों के लिए हमने अपने दो फाइटर्स को इंजर्ड कर लिया है यार, मतलब कम से कम इतना तो ख्याल रखा करो। छोड़ो, तो आप लोग भी होमीज अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर ले, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, ऐसे नेक्स्ट एपिसोड्स आते रहेंगे, आप लोग पसंद करते रहो बस। तो ये देखो रैंकिंग हमारी नंबर 1 है, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से नंबर 1, इनकी तो रेटिंग 102 है, ओके लेकिन इसके पास बजट देख रहे हो बहुत ज्यादा है यार, ये बहुत पैसे कमा रही है। तो स्टेफनी मैकमेन का तो है ही यार पैसे कमाने का इसका स्किल, तो वो तो कमाएगी ही। तो हमारी जो रेटिंग्स है वो नंबर 1 पे, स्मैकडाउन नंबर 2 पे, बहुत बढ़िया, इसकी 14 लाख, अरे भाई ज्यादा अंतर नहीं है फैंस में, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंतर है ना, 30,000 के समथिंग फैंस के, 40,000 फैंस का अंतर है। तो नेक्स्ट वीक आ चुका है, ट्रिपल एच बता रहे हैं बहुत बढ़िया था, मजा आ गया, लेकिन कुछ लोग जो है मजेदार नहीं गए, ओके ठीक है कोई बात नहीं, हमको उससे लेना देना नहीं। बियंका प्लेयर तो आ गई होंगी बताने कि हम इंजर्ड हो चुके हैं, लोग गुस्सा रही है भैया कि हमने बोला था हमको नहीं लड़ना, जबरदस्ती लड़ाई, लो हम इंजर्ड हो चुके हैं, तो क्या बोल सकते हैं, छोड़ो यार। सो गुड बाय होमीज, कीप स्माइलिंग एंड या बी सेफ, फिर मिलेंगे एक बेहतरीन से एपिसोड में।